तो अब ये टाइम जो है बेसिकली हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायनामिक जो भी टाइम होगा हम जैसे कैलकुलेट करेंगे या हम शीट को बंद करके खोलेंगे तो वो अपडेट होता जाएगा, जैसे पहले 11 था और अब 13 हो गया। बट ये टाइम अपनी जगह पे फिक्स्ड है क्योंकि फॉर्मूला बार पे भी एज इट इज नजर आ रहा है। बट अगर आप इधर क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार पर देखेंगे तो यहाँ नाउ लिखा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है आपको जो भी अपडेटेड टाइम होगा आपके सिस्टम का। अगर यहाँ पे गलत टाइम सेट है तो यहाँ गलत टाइम ही आएगा, इस ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल इसको यही देख रहे थे कि ये टाइम यहाँ आ रहा है और टाइम नाउ फंक्शन से हमने इस टाइम को अचीव कर लिया। अब हम इसके अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। क्लिक करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से कहूँगा एडवांस और क्लिक करके यहाँ से क्लिक करूंगा मैं टाइम पर और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइम के ऑप्शंस नजर आएंगे। अब ऑप्शंस मतलब फॉर्मेट नजर आएंगे यहाँ पर, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप कौन सा फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं, जैसे 13 है। अब ये आ गया आपका 12 आवर्स वाला फॉर्मेट, मतलब 1:30, लेकिन इसमें सेकंड्स नहीं है। और ये देखें आपका आवर, मिनट एंड सेकंड्स और ये सारा फॉर्मेट आ रहा है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ओके करने पर ये फॉर्मेट इधर अप्लाई हो जाएगा। तो अब आपको जो टाइम है देखिए एग्जैक्ट बता रहा है कि 5:13:50। बट अगर आप दोबारा फॉर्मूला में जाके अब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड्स चूंकि चेंज होते रहते हैं और आपके कैलकुलेट करने पर हर दफा आपको सेकंड अपडेट होके पता चलता रहेगा। तो अगर आप दोबारा फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहां से दोबारा क्लिक करेंगे एडवांस और यहां टाइम और टाइम के बाद ये वाला फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं। सही है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा फॉर्मेट यहां से लेना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम एंटर करने का तरीका वही होगा, पहले और कॉलम फिर मिनट फिर सेकंड्स। और एम पी एम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो जब आप फॉर्मेट लेंगे तो वो खुद ही ऐड करेगा एएम और पीएम। बट अगर आप फॉर्मेट नहीं लेंगे तो वो फिर ऐड भी नहीं करेगा। और अगर आपने फॉर्मेट लिया है तो फिर आपको ख्याल रखना है कि अगर आपको दोपहर का टाइम लिखना है तो वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के हिसाब से लिखना पड़ेगा, वरना वो फिर एएम साइन देगा अगर आप 5-6 करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे फंक्शंस की तरफ देखते हैं कि जो भी हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइम लिख रहे हैं, मतलब एक शख्स का हम टाइम लिख रहे हैं 5, ओके ये मैंने और वाले सेगमेंट में लिखा 15 और उसके आगे मैंने लिखा है 50। तो अब हम आराम से समझ सकते हैं इसका मतलब है 5:15:15 अब इस टाइम आपने देखा कि मैंने इसको 3 कॉलम्स में लिखा है। ठीक है, कितने कॉलम्स में लिखा है? अब आप इसको सिंगल कॉलम में कम्युलेट करना चाह रहे हैं, एक जगह पे लेना चाह रहे हैं टाइम को, तो आप किस तरह से इसको अचीव करेंगे? सबसे पहले ये ज़हन में रख लें, अगर आपने 5 लिखा है तो दिस मीन्स कि आप सुबह के 5 की बात कर रहे हैं, आप शाम के 5 की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप शाम के 5 की बात कर रहे हैं तो आपको यहां क्या लिखना चाहिए, 17। ठीक है, अच्छा अब यहां क्लिक कर रहा हूं मैं और क्लिक करने के बाद मैं यहां से जा रहा हूं, एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं जिसका नाम है टाइम। क्या नाम है? टाइम, नोट कर ले, टाइम फंक्शन। और क्लिक करने के बाद मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ये मुझसे पूछ रहा है 3 आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है मुझे आवर बताइए, दूसरा आर्ग्यूमेंट कह रहा है मुझे मिनट्स बताइए, तीसरा आर्ग्यूमेंट कह रहा है मुझे सेकंड्स बताइए। 3 डिफरेंट सेल्स को मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं इसको कह रहा हूं ओके, तो ये देखिए इसने पूरा टाइम यहां पे क्रिएट कर दिया मेरे लिए और पीएम ऑटोमेटिकली ऐड किया। बट अब मैं इसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में देखना चाह रहा हूं, अभी हम इस पर बात नहीं करते, अभी हम दोबारा लेते हैं। यहां पर एक और टाइम हम लेते हैं, सपोज टू बी 18:20:35। अब ये कैसे होगा यहां पे? क्योंकि मैंने टाइम फंक्शन को एक दफा यूटिलाइज कर लिया है, मैं ड्रैग करूंगा जहां तक भी, तो अब ये खुद इसको करता जाएगा। लेकिन जहां पे टाइम नहीं लिखा वहां पे 12 AM की एंट्री ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। बट अगर मैं यहां लिख रहा हूं टाइम सपोज टू बी 12:20:40, 16:20:30, 18:20:21:30, 23 और यहां पर आप देख रहे हैं मैं यहां लिख रहा हूं 23:45 और 12 और यहां लिख रहा हूं 19:16:17 और यहां लिख रहा हूं 18:21:24। तो देख रहे हैं इसने ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज को परफेक्ट टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं सपोज टू बी के यहां से अभी हम एक और दूसरी पहलू की तरफ जाते हैं कि अब टाइम का फॉर्मेट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो टाइम जो है वो एक ही तरह से नजर आ रहा है, मतलब और मिनट्स। और यहां पे देखें इसने मैंने सारे टाइम्स जो है पीएम के एंटर किए, तो इसलिए इसने सबके आगे पीएम लिख दिया। बट अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूं तो यहां पर आप एएम की एंट्रीज को भी चेंज होता हुआ देखेंगे। देखा आपने कहीं पे पीएम और कहीं पे एम हो रहा है, क्योंकि वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर रहा है। अब डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे अगर आप एक तो फॉर्मेट हमारे सामने आ रहा है, दूसरा फॉर्मेट टाइम का कौन सा, क्लिक किया और यहाँ एडवांस में टाइम पे क्लिक किया,
ये फॉर्मेट ले रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्टली आपको आवर और मिनट्स आएगा, एएम पीएम का तस्करा नहीं होगा। तीसरा फॉर्मेट ले लें, सपोज टू बी टाइम में, और आपने ये फॉर्मेट ले लिया, इसमें और मिनट्स और एएम पीएम का तस्करा होगा। सपोज टू बी दोबारा जैसे आए आप दोबारा टाइम के अंदर, और आपने एक चौथा फॉर्मेट ले लिया इसके ऊपर टाइम, यहाँ से क्लिक किया और ये वाला फॉर्मेट ले लिया, तो इसके अंदर आवर मिनट सेकंड्स और एएम पीएम का जिक्र भी होगा। बट अगर आप चाह रहे हैं कि टाइम के साथ डेट भी आए, टाइम के साथ डेट भी आए, चाहे आपने ना लिखी हो, मतलब आपने यहाँ डेट नहीं लिखी बट टाइम के साथ आप डेट भी चाह रहे हैं, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर आप जाएंगे सपोज टू बी टाइम फॉर्मेट में। तो अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ डेट भी है और टाइम भी है, दोनों चीजें भी है। और अगर आप डेट फॉर्मेट में आएंगे तो वहां पर भी आपको कुछ इस तरह के मिलेंगे फॉर्मेट जिसमें डेट भी है और टाइम भी है। तो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट आप चूज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे दोनों चीजें रिक्वायर्ड है तो ओके कर दें, देखिए वो भी चीज आपको अचीव हो जाएगी। और यहाँ पर इस तरह से ये डेट आ रही है, हालांकि डेट आपने लिखी नहीं तो वो अपने हिसाब से डेट को फॉर्मेट कर रहा है, बट अगर आपको ये एरर लग रहा है तो आप उसका दोबारा टाइम फॉर्मेट चेंज कर लें, और फिर जिस तरह से आपको टाइम रिक्वायर्ड है यहाँ टाइम के एडवांस ऑप्शंस में जाके वो टाइम का फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बेहतर फॉर्मेट है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। अब सपोज टू बी मैंने यहाँ पे एक लॉग इन टाइम की एंट्री बनाई है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लॉग इन टाइम है, अब मैं इसका एक लॉग आउट टाइम भी लिख देता हूँ। लॉग इन मीन्स एंटर हुआ और फिर अब कम खत्म हुआ, इसका लॉग इन टाइम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक एंट्री में कर रहा हूँ 6:45 देन 00, और यहाँ एक एंट्री कर रहा हूँ 8:23, और यहाँ एक एंट्री कर रहा हूँ 12:54, और यहाँ एक एंट्री कर रहा हूँ 5:30, 7:21, 9:12, और यहाँ कर रहा हूँ मैं 21:31, 15:22, 23, 24, ओके ये कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ पे कुछ कर ली। अब मैंने जैसे आपको ये बताया कि इनको भी फिर फॉर्मेट देने की जरूरत है, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया और एक साथ सबको एक फॉर्मेट दे देता हूँ जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मेट सबसे बेहतर रहेगा, और ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। तो ये देखिए सबकी एंट्रीज यहाँ पे मुझे इजीली नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करता हूँ, राइट इंसर्ट कॉलम, और कॉलम ऐड करने के बाद यहाँ पर अब मैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? डिफरेंस। तो वो वेरी इजी कि आप यहाँ पे क्लिक करें सम और ये बताइए टाइम कौन सा है। अब आप इसमें से इसको तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि ये पिछला टाइम है, अगला टाइम है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दें और एंटर कर दें, और उसके बाद आप एक टाइम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब यहां पर टाइम फॉर्मेट मुझे एम पी एम वाला नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहां पर डिफरेंस नोट कर रहा हूं। क्या नोट कर रहा हूं? डिफरेंस। तो मैं यहां से जाऊंगा टाइम फॉर्मेट में और मुझे ये वाला टाइम फॉर्मेट इसमें मुझे सूट करेगा और इसको ओके कर दूंगा। तो यहां पर पता चल रहा है 1 hour 29 minutes में, सही है, और इसको डिसेबल क्लिक करूंगा तो ये सबका एक मिनट टाइम मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि ये टाइम गलत एंटर हुआ है, ये पीएम का टाइम है, ये एएम का टाइम एंटर हुआ है, ठीक है ना। तो वो उसके जो आवर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही हो गए, यहाँ पे सेकंड्स में आ रहा है, ठीक है ना, मिनट्स और उसमें आ रहा है। अगर आपको ये टाइम फॉर्मेट सही नहीं लग रहा तो फिर आप उसको एक दूसरा टाइम फॉर्मेट ले लें, सपोज टू बी आप ये वाला टाइम फॉर्मेट ले लें, ये वाला ले लें, ओके कर दें। ये देखें इस पर बता रहा है 1 hour 29 minutes 10 seconds, 1 hour 2 minutes 25 seconds, 33 minutes 20 seconds, और यहाँ पर ये एंट्री गलत होने की वजह से आपका डेटा सही तरह शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे डेटा से एंटर करेंगे 4:20 और यहाँ पे हमने किया 5:30, तो यहाँ पे मुझे करने की जरूरत थी 17:30, ठीक है। अब 17:30 करने पर ये एंट्री सही नहीं बनी, दोबारा करना पड़ेगा 17 और यहाँ लिखना पड़ेगा 30 देन 15। आप देखिए पूरा उसका कैलकुलेट कर दिया, और इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है 6, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सपोज टू बी 19:15:21 और एंटर किया, अब इसके 53 मिनट्स बन गए। तो ये देखें इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों टाइम के दरमियान का डिफरेंस। अच्छा अब आ गए, ये क्या है और मिनट और सेकंड, मैंने दोबारा लिख दिया। अभी हमने एक फंक्शन देखा जिसका नाम था, अभी आपको मैंने बताया कि टाइम फंक्शन हमने यूज किया था कि जो अलग अलग एंट्रीज मतलब और मिनट्स और सेकंड में से डेटा को हमने एक जगह पे एंटर कर लिया था। फिर हमने एक और वैल्यूज एंटर करी लॉग आउट टाइम की, और फिर दोबारा हमने यूज किया ऑटो सम फंक्शन जिससे हमने उनके दोनों के दरमियान ही टाइम को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ड्यूरेशन। ओके, ये इसका दौरानिया कैलकुलेट हो गया। अब आप आगे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल और फंक्शन भी तो है ना आपके पास, मिनट सेकंड और वगैरह, ये क्या काम करेंगे। अगर आपको किसी सिचुएशन में ये हो जाता है कि आपने ये टाइम दोबारा से आवर और मिनट्स एंड सेकंड्स अलग अलग सेगमेंट में लेना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप एक फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आपको मालूम करना है तो आपके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन है और, उसको आप सेलेक्ट करें और को, और इसको वो टाइम बताइए जिसमें से और को कैलकुलेट कराना है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओके तो इसने और कैलकुलेट कर लिया। देन क्लिक करूंगा यहां पर और करूंगा मिनट, एक फंक्शन यूज करूंगा और यहां से उसी डेट को टारगेट करूंगा, ओके करूंगा टाइम को, तो टाइम उसमें से दोबारा मिनट्स निकाल लेगा। और एक और फंक्शन है सेकंड, जब मैं उसको कॉल करूंगा तो सेम टाइम पे मैं दोबारा टारगेट करूंगा और ओके करूंगा, तो ये उसके सेकंड्स को कैलकुलेट कर लेगा। देन इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, देन मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, ड्रैग करूंगा। तो आप ये देखें, पहले मैंने एक दो डिफरेंट कॉलम्स में जो टाइम मौजूद था उसको एक कॉलम में समेटा, देन फिर मैंने दूसरा टाइम एंटर करके आगे का और उसके आवर्स और मिनट्स को कैलकुलेट किया, देन फिर टाइम को मैंने कॉलम्स एंड मिनट्स और सेकंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कुछ टाइम से रिलेटेड फंक्शंस थे जिनको आप यूटिलाइज करके बेहतर तरीके से अपनी शीट्स को बना सकते हैं। अक्सर डायनामिक डेट्स का जो इस्तेमाल है वो आप हर शीट के टॉप पे यूज कर सकते हैं कि जब भी आप उस शीट को खोलें तो वो आपको अपडेट टाइम बताए कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है। ये देखें कैलकुलेट करने में 5:24 और 48 हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारी